हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। कैसे फ्रेंड्स लोग? और फ्रेंड्स, आज आपके लिए, आपकी मांग पर एक ऐसी वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको लगभग फुल कंप्लीट चावल बिजनेस के, राइस बिजनेस की इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको मिलेगी। अब तक आप लोगों ने जिस तरह के मुझसे क्वेश्चंस किए हैं और आप लोगों ने कहा है कि आपने ये चीज़ नहीं बताई, वो चीज़ नहीं बताई, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आपको उन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने इस बात को समझ लेना है कि मैं आम आदमी के लिए काम करता हूँ, आम आदमी को ऊपर उठाने के लिए, उसको इनक्रेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए मैं काम करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जो घर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं है और उनके पास छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा उनके पास पैसा है, उससे वो एक बिजनेस में अपना कदम रखने की, अपना पांव रखने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका सबसे पहला जो सवाल है उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आप सबसे पहले जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से काम करते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं सवालों का जवाब आपको मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरा नाम अफसर चौधरी है, AFSAR, अफसर चौधरी। और आप ये पूछेंगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम लोग यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, यानी कि नियर बाय हरियाणा बॉर्डर करनाल, यहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो कि दिल्ली से थोड़ा सा आगे है। हमारी जो देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग रहते हैं। वहीं से हम अपना पूरा राइस का बिजनेस ऑपरेट करते हैं, यहीं से आपको पूरी सर्विस हम देते हैं। तो ये हुई मेरी जानकारी। दूसरा आपका सवाल होता है कि आप चावल कम से कम कितना दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पर हमारा गोडाउन होता है वहाँ से लेके हम ट्रांसपोर्ट तक अगर आपके लिए माल लगवाते हैं, यानी कि आपके लिए डिस्पैच करते हैं, तो कम से कम आपका ऑर्डर 500 kg, यानी कि 500 किलो अगर आपका ऑर्डर होगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इससे ऊपर कितनी भी बड़ी क्वांटिटी गाड़ी लोड आप ले सकते हो। ये दूसरा सवाल आपका। और तीसरा सवाल आपका ये होता है कि पैसे आप पहले लेंगे या बाद में लेंगे, उसका बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग ऑनलाइन में काम करते हैं, हमने अपनी पूरी जानकारी दी हुई है, पूरा इन्फॉर्मेशन, अपनी लोकेशन, अपना एड्रेस, अपने आईडी प्रूफ आप लोगों को दिए हुए हैं। उसके लिए आपने हमें 100% एडवांस पेमेंट देनी होती है। अगर आप हमारे को इस लायक नहीं समझते, फिर आप हमारे पास आ सकते हो, हमारे गोडाउन में आ सकते हो, यहाँ से आप सीधा माल ले सकते हो। तो अगर आप उस वक्त जब आप हम पर बिलीव नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ हम लोग फ्रॉड कर देंगे, आपका पैसा खा जाएंगे, तब उस वक्त आप ऐसा कर सकते हो कि आप हमारे पास आ जाएं। ऐसे लगभग ऑल इंडिया लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे को हर जगह जानने वाले लोग हैं। अगर आपको किसी का रेफरेंस चाहिए वो हम दे सकते हैं, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा आपका सबसे पहला, उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है कि आप इस बिजनेस को कैसे करें। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आप सबसे पहले इसके कुछ सैंपल्स हमसे मंगवाइए, उन सैंपल्स में से कलेक्ट कीजिए और वो सैंपल अपने एरिया में, अपने आसपास दुकानदार लोगों को दिखाइए। जो सैंपल में से क्वालिटी आपके यहाँ पसंद हो, उस क्वालिटी को आप लेकर उसका बिजनेस आप कीजिए, यहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगा काम करने का। ओके। और इसके अलावा पांचवा सवाल होता है कि आप कौन सा चावल सप्लाई करते हैं, ये भी आप क्लियर समझ लीजिए। हम लोग चावल में दो वैरायटी होती हैं, एक बासमती, एक नॉन बासमती। हम बासमती का राइस सप्लाई करते हैं, यानी कि लंबे वाला राइस, लंबा जो राइस होता है वो हम सप्लाई करते हैं। उसके अंदर भी दो
दो कैटेगरी होती हैं, एक सेला और एक नॉन सेला, यानी कि स्टीम। साउथ इंडिया जैसे हम हैदराबाद सप्लाई देते हैं, विजयवाड़ा देते हैं, तेलंगाना में देते हैं, महबूब नगर देते हैं, वरंगल देते हैं, कुन्नूर देते हैं, कुंटूर देते हैं, जैसा हम तमिलनाडु के अंदर चेन्नई देते हैं और वेल्लूर में देते हैं, इस टाइप की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर मोस्टली स्टीम लोग यूज़ करते हैं। तो आप उसके लिए, अगर आपको नहीं मालूम है कि आप, तो आप अपने आसपास के जो आपके शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके पास जाके उनका सहारा लेके उनसे पूछ सकते हो आप, और वहाँ से आप उनसे इंक्वायरी करके वो राइस आप हमसे मंगवा सकते हो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर हमसे सैंपल्स मंगवाइए, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, आपको ये हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग सैंपल्स भेजने का एक छोटा अमाउंट यानी कि 600 रुपीज़ लेते हैं। आपको 5-6 तरह के सैंपल्स अगर हमसे राइस के चाहिए तो हम उसमें आपसे 600 रुपये लेते हैं। बाई कोरियर आपको सभी सैंपल के, सभी राइस के सैंपल्स आपको प्रोवाइड घर बैठे बैठे करा देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए घर बैठे आइडिया लेने का और समझने का। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इनके नाम वाइज, इनके प्राइस वाइज, इनकी पूरी डिटेल आपको, इनकी सूरत शक्ल आपको दिखाऊंगा। उसको ध्यान से देखना, समझना, और फिर जो चीज़ आपको लगे वो चीज़ आप हमसे मंगवाना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि आज हमने आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है और आप इससे समझे भी होंगे। अब मेरा जो नेक्स्ट पीरियड है वो आपको क्वालिटी वाइज इनको दिखाना होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ इसमें, ये चीज़ क्लियर आप करने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास बासमती राइस है उसकी जो वेराइटी स्टार्ट होती है वो हमारे पास करीब करीब 35 स्टार्ट होके 65 तक होती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 35 रुपये से लेके 65 रुपये इसमें टॉप मोस्ट होता है। और इसके अंदर दूसरी और आइटम होती है, वो सब मैं आपको इसमें एक एक करके दिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए अब आप रेडी हो जाएं। और मैं समझता हूँ कि जितनी आपको डिटेल मैंने दी है ये आपके लिए बहुत काफ़ी होगी, और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि डिटेल अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप मेरे पास आ सकते हो। ये हमारे बहुत सारे, हमारे जो ब्रांड्स हैं वो अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग उनके साइज़ वाइज, इस साइज़ वाइज इनके नाम होते हैं। जैसे आप नए हो, आपको नहीं मालूम है, तो जो कैरेट इस पे लिखा होता है, ये कैरेट देखिए, ये 24 कैरेट, ये इसके साइज़ है, ये देखिए 22 कैरेट, इसी में एक 18 कैरेट भी होता है, इसी के अंदर एक प्रीमियम है, ये देखिए करिश्मा टुडे प्रीमियम, यानी कि ये सबसे लॉन्ग राइस इसको आप कह सकते हैं। ये फिर इसमें छोटा साइज़ और छोटा होता जाता है, इस तरीके से आप इसमें समझ सकते हो कि इसके साइज़ वाइज ये इनके नाम होते हैं। जो इस बिज़नेस को पहले से ही मतलब करते हैं उनको, सबको इस चीज़ का मालूम होता है। ये देखिए जिसमें 18 कैरेट होता है, यानी कि 18 कैरेट होता है, इसमें 20 कैरेट होता है। कैरेट मीन्स ये इसका एक साइज़ का नाम हो गया। साइज़ को आप समझेंगे तो इससे आपको आसानी से समझ आएगी, और इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। अब इसके बाद इनकी शक्ल कैसी होती है, राइस की शक्ल कैसी होती है, सूरत कैसी होती है, वो मैंने एक प्लेट में उसका डिस्प्ले किया है, उसको वहाँ पे सजाया है। बारीकी से उसको देखिए, समझिए, और जो चीज़ आपको लगे आपके लिए जो फ़ायदेमंद हो सकती है वो आप लीजिए अपने लिए और काम शुरू कीजिए। और मन में इस बात को बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आपके साथ किसी तरह का कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये हम आ गए हैं आपको गोल्डन सेला, यानी कि ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया इसको सबसे ज़्यादा लाइक मतलब करता है, राजस्थान तक इसको सबसे ज़्यादा करते हैं, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ। अब इसके बाद इसके अंदर एक ये देखिए क्रीमी सेला हुआ, ये क्रीमी सेला इसमें आ जाता है। और इसके बाद इसमें एक ये रिसोर्ट है, ये रिसोर्ट सेला है, इसका ये प्राइस भी मेंशन है, हालांकि प्राइस फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे चलता रहता है प्राइस। ओके, इसके बाद फिर ये देखिए इसमें लिखा है करिश्मा बासमती राइस, ये 18 कैरेट है यानी कि 18 कैरेट, इसका प्राइस भी इसके अंदर मेंशन किया है, ये देख सकते हो आप इसका। ओके, और इसके बाद करिश्मा बासमती राइस है, ये 22 कैरेट है, इसको आप देख सकते हो,
इसका लुक और साइज़ भी आप देख सकते हो। और इसके बाद ये करिश्मा बासमती राइस है 24 कैरेट यानी कि 24 कैरेट, ये इसका प्राइस भी मेंशन है, हालांकि ये भी फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है, इसमें आप कभी भी ये मान के मत चलेगा, ओके। इसके बाद इसमें करिश्मा प्रीमियम बासमती, ये देखिए ये सबसे लॉन्ग राइस है, हैदराबाद में जो बिरयानी बनती है अक्सर वो इसी की बिरयानी बनती है, खुशबूदार जो अरोमा होती है। और इसके बाद इसमें एक और वेराइटी है जिसको हम चापी, यहाँ पर ये हमारी लैंग्वेज होती है बिजनेस की, आम आदमी इन बातों को नहीं जानता, ये बिजनेस करने वालों की एक लैंग्वेज होती है छापी, इसका एक इन्होंने नाम दे दिया है वैरायटी का नाम, इसके छापी मन्नत है कि ब्रांड का नाम है, और ये प्राइस इसके अंदर मेंशन है। तो इस तरीके से ये इनकी शक्ल और सूरत है, इनको आप अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो, और इसी में जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए सूटेबल होगी, हमारे यहाँ चलेगी, आपको इसमें फ़ायदा होगा, या आप इसको लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमें सीधे ऑर्डर कर सकते हो। कॉल करने से पहले हमारा इसी नंबर पर व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पर आप अपनी इंक्वायरी अच्छे से भेजिए और अपना फुली एड्रेस भेजिए, आप जिस एड्रेस पर भी बोलेंगे हम आपको आराम से उस पर पहुंचा सकते हैं। इसमें एक आपका जो सवाल होता है वो एक और होता है, वो भी आपने समझना है। आप लोग बोलते हो कि भाड़ा आपका कितना पड़ेगा, ये भी एक समझने वाली बात है। देखिए भाड़ा जो है वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए ऑल इंडिया लेवल पर कुछ फेमस ट्रांसपोर्टर है, जैसे कि बजाज हुआ या जैसे कि वीआरएल हुआ और भी हैं अदर, ये सब मान लीजिए अगर आपका वेट 1 टन तक है तो 5 to 6 rupees पर केजी के आसपास ऑल इंडिया इनकी लगभग सर्विस होती है, और इससे थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन मैंने एक मोटा आइडिया रफली आइडिया आपको दिया है। इसके अलावा अगर आपका फुल ट्रक लोड होता है तब आपको लगभग 3.5-4 rupees के आसपास ऑल इंडिया डिलीवरी मिल सकती है। तो आपने ये देखना है कि आपका कितना बड़ा लोड है, कितना आपकी क्वांटिटी है, उसी हिसाब से इसका किराया रहता है। तो ये भी आपने बात को समझ लेनी है। दूसरी बात, बहुत से लोग समझते हैं कि ये सर हमारे पास तो जीएसटी नहीं है, हमारे को माल कैसे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, आपको तब भी माल मिल जाएगा, आपको सिर्फ हमसे एक आधार कार्ड नंबर भेज देना है, वो आधार कार्ड नंबर हम लोग ट्रांसपोर्टर को देते हैं और फिर वहीं से आपका माल ये आप तक आसानी से अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, कितनी यूज़फुल है आपके लिए और कितनी इन्फॉर्मेटिव है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ये आपने समझनी है। और कहने की बात यह है कि हमारे पास ऑल बासमती राइस, ऑल वैरायटी, ऑल कैटेगरी आप ले सकते हो। अगर आप सीरियस पार्टी हो तो हम आपके लिए इसमें वेलकम करते हैं। और साउथ इंडिया जो है हमारा, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा माल जाता है, चेन्नई में जाता है, तमिलनाडु में जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, केरला में जाता है, और नेक्स्ट मेरा एक प्रोग्राम होने जा रहा है 27 दिसंबर को मैं पुणे में आ रहा हूँ, वहाँ पर मैं अपने राइस की डिस्प्ले भी करने जा रहा हूँ और चाय पत्ती का बिजनेस भी है मेरा, उसके लिए भी वहाँ पर मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और 28 दिसंबर को मैं इसके लिए दिल्ली आ रहा हूँ, 29 दिसंबर को मैं इसके लिए दिल्ली में प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे राइस और बहुत सारी चाय की वैरायटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरा मकसद है आप लोगों के लिए कुछ काम निकालना, आप लोगों का करियर बनाना, आप लोगों के लिए कुछ काम आना, इससे ज़्यादा मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर आप मुझे इस लायक समझते हो और आपको लगता है कि आप मुझसे फ़ायदा उठाओगे तो मैं समझता हूँ तो आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ आप दोस्तों से बेस्ट ऑफ लक और लव यू बोलता हूँ, और कहना चाहूँगा कि बस आप हमसे काम कराएं, हमारे ऊपर बिल्कुल भी डाउट ना करें, डाउट की गुंजाइश हमारे ऊपर बिल्कुल भी ना करें। आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी आईडी प्रूफ चाहिए, वो सब अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन डाउट के लिए कोई जगह नहीं है। ऑल इंडिया हम लोग घूमते हैं, ऑल इंडिया हम लोग घूमने वाले लोग हैं, हर जगह सब लोग जानते हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम आपके साथ कोई दिक्कत करेंगे और आपका पैसा में कोई दिक्कत आएगी, आपके फंड में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा आपके साथ हरगिज़ नहीं होगा। तो इसी के साथ आप दोस्तों से बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल ऑफ यू, और बताना वीडियो इस बार कैसी आई आपको। ओके, बेस्ट ऑफ लक।